धाम आमर चारिधाम भितर श्रेष्ठ धाम तेणु आज बर्तमान आपण देखु महाप्रभु बलभद्र को पहंडी करी सेवक भाई माने तांकु स्नान मंडप रे विजय करने उद्यम करो स्नान मंडप पूर्वर काठरे मंचारे तैयारी होता काठरे तैयारी होता एवं गजपति कपिलेन्द्र देव 1435-1467 शासक थे ओडिशार प्रख्यात सम्राट गजपति गौड़ेश्वर नवकटी कर्णाटक वीरस बिराधी वीरवर प्रबल प्रतापी गजपति कपिलेन्द्र देव से भली राजा ओडिशार गर्व गौरव तांकरी उद्यम तांकर इच्छा रे स्नान मंडप निर्मित होता बोली मादला पांजीर मत रही अन्यान्य ऐतिहासिक माने तथ्य को समर्थन करती तेणु बलभद्र को मध्य कहा जाए शिव एवं से रुद्र रूपी बोली कहा जाए बल थिले मध्य उद्धत दुष्ट से नुहंती बल थाई भद्र तेणु बलभद्र नाम बड़ ठाकुर कला छती कृष्ण छत्र चामर खदी आलट तालखोल संभार मध्य तेणु विजे काहाली बाजुची एवं से दर्पित पहंडी आगे चली कादंबरी रस प्रमत्त कामपाल भूवित नेत्र दर्पित ठाणी पहंडी होहंडी दर्पित पहंडी तेणु कादंबरी चंचल संग्राम चपल यर विभिन्न कथा कहुई एवं बलभद्र महाप्रभु परे आसिबे माँ सुभद्रा ए पहंडी विजे कौन संस्कृत पदहुंडन शब्दरु पहंडी शब्दर उत्पत्ति बोली व्याकरणकार माने मध्य मत दियंती तेणु प्रभु आग पछ हे एई भावरे चालंती प्रभुंकर हाथ नाही गोड़ नाही किंतु से चालंती हाथ तांकर खंडिया हाथ तांकर गोड़ नाही किंतु से वर्तमान चालुचंती बिनु पद चलई सुनई बिनु काना दर्शन करुछन्ति बलभद्र को स्नान बेदी उपरे एवं ए स्नान बेदी उपरे दर्शन करुछन्ति प्रभु ए पर्यंत श्री मुखारविंद मुख श्री मुखारविंद आम को दर्शन करै नहंति एवं दैत्य सेवक माने जो माने पिठी रे अछन्ति से माने पिठी लगैछन्ति प्रभु को जो पिंडी तीनोटी जाक कर बलभद्रंकर जो पिंडी से बलभद्रंकर पिंडी निकटरे ऊपर को उठाइप चेष्टा करूँ से प्रभाव उपरे किछि दैतापति डोर जो रसिक डोर से रसिक डोर को टाणुंट प्रभु किभ भाव उठिवे अरे प्रभु तो इच्छामय तांको इच्छा रे से उठिवे आमे मनीष जेते चाहिले कौन प्रभु उठी पारिवे कि ना एबे आपण देख शुणुथिले ना पदहुंडन शब्द होउछि संस्कृत शब्द पाणिनिंकर से शब्द रु आसी पहुंड शब्द अर्थात पादे पादे पहुंड पहुंड पकाई पाद पादे पकाई आसीबार नाम होउछि पहुंड शब्द एवं एपटे घंट बाजुची आलट पड़ुची आउ गोटे कथा स्नानर आवश्यकता मनुष्य जीवन रे अच्छी मुया पूर्वर कही ए स्नान होउछन्ति सात प्रकार ए स्नान मनुष्य जीवन रे समस्तंकर अच्छी आपण देखिए पशुठारु पक्षी पर्यंत एवं कीटठारु मनुष्य पर्यंत देवता माने मध्य समस्ते स्नान अभिलाषी एवं विशेष भाव रे ए ग्रीष्मकालीन ए गरम दिन रे स्नान समस्तंकर आवश्यकता स्नान समस्तंकर निहाति दरकार तेणु ये स्नान करने बड़ भाई ज्येष्ठ भ्राता हलायुध दुर्भ्यांग शोभित लांगलंग समुशलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यंग बरकुंडल भुजबली राक्रांत भोमंडलम वज्राभ मंगलम चारुगंड जुगलम नागेन्द्र चोड़ोज्वल संग्राम चपलंग शशांग धवल श्रीकाम पालंग भजे एवे देखिले ना धीरे धीरे टाहिया को नहीं गले दैतापति भाई माने प्रभुंकर पिठी रे जो माने पिठिया से माने पिठी लगई जमती एवं एपटे बलभद्रंकर ये टाहिया पाइबा पाई मध्य सबुत एठी महाप्रसाद
କେବଳ ଯେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହଁ, ଏଠି ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏଠି ଟାହିଆ ମହାପ୍ରସାଦ, ଏଠି ସବୁକିଛି ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏବେ ଟାହିଆକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିଠି ଆସି ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆଗରୁ ଟଣା ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଏ ବନକ ଲାଗି ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି ବକୁଳ କାଠରେ, କାରଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଘାତ ନ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦୈତାପତିମାନେ ସେବକମାନେ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେନାପଟା ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୁଦିରସ୍ଥ ପୁଷ୍ପାଳକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଉଛାଉଳି ହେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋର ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାହୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ଏବଂ ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ଏ ଜନ୍ମଯାକ ଭାଇ ତମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୋ ଜୀବନଯାକ ତମେ ବ୍ୟତିରେକ, ତମେ ଏବ ମାତା ଚ ପିତା, ତମେ ଏବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା, ତମେ ଏବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଙ୍ଗ, ତମେ ଏବ ସର୍ବଙ୍ଗ ମମ ଦେବ ଦେବ, ମାତା ରାମ ମତ ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ରାମ ମତ ସଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବସଙ୍ଗମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦୟାଳୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ୟ ଜାନେ ନୈବ ନ ଜାନେ। ଏ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଏପଟେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ହେଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବଳଭଦ୍ର, ତମେ କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, ତମେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ତମେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହଁ, ତମର ସେଇ ଶତୃଷ୍ଣ ନୟନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିଛି ଏ କଳଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଦେବ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେଉଁ ଧଳା ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଏବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଅହୋ ଧନ୍ୟ, ଅହୋ ଧନ୍ୟ, କୃତାର୍ଥହମ୍, କୃତାର୍ଥହମ୍, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ସିଏ ପତିତ ପାବନ, ଆମର ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଏବଂ ଏପଟେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଏପଟେ ଭକ୍ତଜନମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ପିତ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଲେ ଉନ୍ନତ ନାସିକା, ନାକଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଉଠିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନାକ ଭିତରେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। କଳଉ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା ନ୍ୟାୟରେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ। ହରେନାମ ହରେନାମ ହରେନାମେଇବ କେବଳମ, ହରିନାମ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ହରିନାମ ହେଉଛି ସାର। ଏପଟେ ବଳରାମଙ୍କର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ହେ ହଳାୟୁଦ, ହେ ବଡ଼ ଖାଉନ୍ଦ, ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆପଣ ପିଣ୍ଡିକି ଏବେ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ପିଣ୍ଡିରେ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦୈତାପତି ଭାଇମାନେ। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କ'ଣ କହେ, ନା ଧିକିତାନ ଧିକିତାନ କଥେଯତି କୀର୍ତ୍ତନସ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ, ଯାହାର ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ, ହରିନାମ, ରାମ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ, ଗୋପାଳ ନାମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ନପସେ, ତାର ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଥା। ଧିକିତାନ ଧିକିତାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଧିକିତାନ ଧିକିତାନ କହୁଛି, କାହାକୁ ସେ ଧିକାର କରୁଛି, ନା ଧିକାର କରୁଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯାହା ମୁଖରେ ହରିନାମ ପଶେ ନାହିଁ। ହରିନାମ କି ରସ ଅଛେ, ପାନ କଲା ଲୋକ, ପାନ କଲା ଲୋକ,
सिना जानी छी धरी नामे किरस छी। बड़ चमत्कार भाव में आपण माने देखुचंति पिंडी उपरे भगवान को विजय करउचंति एवं बलभद्रंगर उन्नत नासिका देखांती से प्रभु जहां को मणिमा जगत विभो। उन्नत नासिका जेते बड़े महाबाहु दर्शन करउचंति महाप्रभु दर्शन करउचंति ये समग्र जगत स्तंभीभूत हो जाउचंति। दैतापति मानंकु देखंतु तांको देहरे झाण प्रभुंकर देहरे झाण कर्पूर रेख लिभी गलाणी धीरे धीरे प्रभु स्नान करिवे एवं ये होउचंति धड़ा हाथी मतुआला होकर आसीचंति एवं दीर्घ दिन से कलाहाट द्वार निकटरे रत्न सिंहासन रही प्रभु प्रभु झाड़ माने शरीर जाक झाड़ बिंदु एवं से झाड़ को उपशम करने आम जो भाव ये ग्रीष्म दिन में स्नान करू थाई भगवान वर्ष को थरे मात्र स्नान करुचंती एवं ये स्नान रे भगवान कर जो रही आउ उष्मता भगवान के देहरे जो रही ग्रीष्म आपण मान देखिए हाथी जिते बड़े स्नान करे बड़ चमत्कार भाव स्नान करे एवं से स्नान करने एई ग्रीष्म काल रे पानी खोजे पानी रे लटपट हुए कर्दमाक्त हुए एवं पुनर्वार बाहर को पलै आसे आपण जानी हाथीर कथा एपटे देखुचंति सब जनता जनार्दन कि भाव कर दि जाइए लोक मैंने आराम रे सब रही जगतर नाथ ये चतुर्धा मूर्ति जो दिव्य स्नान तांकु दर्शन करिवे ए पर्यंत हे मणिमा हे बलभद्र गोसाई हे बड़ ठाकुरे हे बड़ खाउंडे आपण कौन बसी पारती आपण इच्छामय बोली आपण टिके बसंतु। दैतापति मैंने कहते हौ हेगला एवं रुंधा कार्य होजे एवं ये रुंधा कार्य भितर बलभद्र सामंत निश्चित भाव चमत्कार देखले अर्थात बलभद्र कौन अराजी होते कि टी जी प्रभु पर आपण आसी उन्मत्त भाव दर्पित पहंडी चंचल भाव आसी टाइया को झुले आसुले आपण कौन करिवे ना स्नान करिवे धड़ा हाथी आज स्नान करिव मो धड़ा हाते बंधा थिला रत्न सिंहासन रे बरस कपरे स्नान वेदी ठारे बरस कपरे स्नान वेदी ठारे स्नान करीबा को आशीष धेरे जे होंगे धड़ा हाथी सी गोटे वर्ष पर्यंत बंधा होते रुंधा होते सिंहासन उपरे रत्न सिंहासन उपरे आज से रत्न सिंहासन ओह्ल आसी गोटे वर्ष पर स्नान वेदी को कारण आज तर हूँ जन्मदिवस एवं ये जन्मदिवस आम जो भाव आम घर मानक आम पानर बुढ़ा बुढ़ी मानकर एवं आम मानकर पाने भाव विभिन्न प्रकार केक् काटवाटू आरंभ कर आम संस्कृति भितर जहाँ नाकूमें पालन करूचे ठीक से भाव भगवान तर जन्मदिवस को पालन करूँ महोत्सव भाव पालन करूँ जार नाम हो स्नान जात्रा जहाँ को जात्रा भागवत वर्णना कर मंच स्नान रथ वरगति शयनम चायने द्वे प्रथम आसी मंच स्नानम एवं ये द्वादश यात्रा भितरे प्रभुंकर अठाशी गोटी यात्रा ये अठाशी यात्रा भितरे ये यात्रा हूँ श्रेष्ठ यात्रा द्वादश यात्रा एवं एपटे नीलाद्री अष्टमी की बैशाख मास शुक्लपक्ष अष्टमी की नीलाद्री नीलाद्री महोदय अष्टमी कह जाए तो ताकु मिसाइले तेरह यात्रा बार मस तेरह यात्रा ये बार मस प्रथम कह जा मंच स्नान भगवान मंच स्नान रे भगवान बड़ सुंदर भाव चमत्कार भाव एवं एपटे आसी विराजमान करिगले रुंधा होगले प्रभु सुंदर भाव प्रभुंकर दिव्य
चरणारविंदरु मुखारविंदरु कौन झरी पड़ुची कि ना किसी अमृत झरी पड़ुची एवं एपटे देखुचंती कीर्तन मजगुल हो जाती कलऊ केशव कीर्तनाथ कलिजुगरे ये केशवंकर कीर्तन हूँ एकमात्र सहायक एवं ये केशव कीर्तन आउ किसी जीवन में आम आशा करवा ना हरिनाम 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 केवल एपटे बलभद्र चाहती जनता जनार्दन मानू जे मो कृषक।